नमस्कार, मैं परवीन अहलावत। आप सभी दर्शक देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर टीवी। आपको बता देते हैं, हरियाणा में आज काफ़ी कुछ बड़ा हुआ और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता है चुन लिया गया है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 27 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता चुनने के पक्ष में थे, जबकि 4 विधायक हैं उन्होंने इसके लिए हामी नहीं भरी थी। और इसके बाद मधुसूदन मिस्त्री और गुलाम नबी आज़ाद हैं, कल भी विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें ही पूरी तरह से ये साफ़ हो गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विधायक दल के नेता हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस हैं, वो बन चुके हैं? आप सभी जानते ही हैं कि पिछले 5 सालों में हरियाणा कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी का दौर चला। अशोक तंवर गुट अलग अलग तरह की बयानबाजी करता रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है वो अलग अलग तरह की बयानबाजी करता रहा। और चुनावों से ऐन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में जो अल्टीमेटम दिया था, जो एक भारी भरकम रैली की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को ये लगा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव से पहले कमान सौंप देना ही ठीक रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपी गई और अच्छे परिणाम हैं कांग्रेस के लिए आए हैं। और विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई। मधुसूदन मिस्त्री, गुलाम नबी आज़ाद ने भी ये माना कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले कमान है सौंप दी गई होती तो परिणाम है इससे बेहतर आ सकते थे। इन सभी खास बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र राठी साहब मौजूद हैं। राठी साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, क्या टिप्पणी इस पर करेंगे अपने आप? देखो, विधायक दल के नेता के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो चयन था वो निश्चित था। अगर आज कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती, बहुमत लेकर के आती जी, तो मुख्यमंत्री के पद के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पास एक चेहरा थे। अगर सत्ता में नहीं आ पाई, 31 सीटें उन्होंने कांग्रेस ने ली हैं, तो निश्चित रूप से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ली हैं, तो उसकी इनका चुना जाना तय था। और कई बातें ऐसी थी जो आम जनता भी जिनको मान रही थी, और जो विधायक दल की बैठक हुई थी कल भी उसमें मधुसूदन मिस्त्री, गुलाम नबी आज़ाद ने भी ये माना अगर चुनावों से, अगर लोकसभा चुनाव के एन बाद अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंप देते तो हो सकता था कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनती, ये विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये है कि 2009 का जब चुनाव हुआ और कांग्रेस ने रिपीट किया था तो सेम 40 सीट आई थी जी, और उस समय मीडिया ने भी और लोगों की नज़रों में भी ये था कि इन्हें लो, उस टाइम बहुत बड़ी पार्टी के रूप में थी हाँ, कि वो काफ़ी पिछड़ गई है। लेकिन जब परिणाम आया तो 40 सीटों पे कांग्रेस और गई थी और 32 पे इनल हो गई थी, 6 या 7 पे हजका आई थी, 4-5 इंडिपेंडेंट आए थे जी। सेम वही स्थिति आज थी, ना तो जनता भाप पाई, ना कांग्रेस के नेता ही अंदाजा लगा पाए कि आप 31 तक जा रहे हैं जी। और हुड्डा साहब का कल का जो बयान आया वो ये भी यही था कि हम, अगर हमें यह आभास होता कि हम यहाँ तक जा सकते हैं तो और मेहनत करते, तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने को काफी पीछे मान करके चुनाव लड़ गई। 3 जिले अपने थे यहाँ के, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, शायद इनको बचाने में ज्यादा ध्यान है, यहाँ का फोकस ज्यादा रहा, यहाँ की सीट निकालने में भी ये कामयाब रहे। सोनीपत की पहले एक दूसरी पार्टी में बीजेपी की सीट गई थी, अब की बार एक वो सीट तो आ गई प्रॉपर सोनीपत की, उसके अवज में 2 चली गई, एक आपकी गन्नौर चली गई और एक आपकी खरखोदा चली गई, गन्नौर से नीलम चौधरी, खरखोदा क्या राय वाली चली गई, और एक आपकी महम की सीट चली गई इंडिपेंडेंट के पास, बलराज कुंडू जी वहां से विजयी रहे। और बाहर जीटी रोड बेल्ट पे इतना अच्छा प्रदर्शन की, आपके मेवात साइड में इतने अच्छे प्रदर्शन की, फरीदाबाद साइड में, तो वहां कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी और उम्मीद के विपरीत इनको सफलता मिली। और अब इनको कहीं ना कहीं एहसास भी हुआ कि आप इतनी क्लोज फाइट में थे, थोड़ा सा कैंडिडेटों का चयन अगर ठीक हो जाता और थोड़ी सी मेहनत और हो जाती तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के बराबर में कांग्रेस पार्टी आपको इक्वल सीटों पर दिखाई देती। जैसा कि राठी साहब, आपके मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि ये कह चुके हैं विधायक दल की बैठक में भी, ये उन्होंने कहा कि अगर ये मालूम होता कि कांग्रेस इतनी मजबूत पोजीशन में है तो और काफ़ी बेहतर चीज़ है जो स्थितियाँ सुधारी जा सकती थी। एक बात का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खास तौर से जिक्र किया कि बिना किसी संगठन के पार्टी ने चुनाव लड़ा, ना ब्लॉक स्तर पर, ना जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट पर, कोई भी संगठन मतलब नहीं था, इसकी खामियां भुगती है। तो अब ये मान के चलें कि आगे अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस को हरियाणा में संभालेंगे तो संगठन भी देखने को मिल सकता है। संगठन का तो विकास निश्चित रूप से होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो एज मिला जी, वो किस बात का मिला? वो पार्लियामेंट चुनाव देखो चाहे विधानसभा का चुनाव देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक सम्मेलन किए, कभी पन्ना प्रमुख के नाम से, कभी मेरा बूथ सबसे मजबूत के नाम से जी। तो ये चीजें कहीं बूथ लेवल तक और पन्ना प्रमुख एक एक
पेज के ऊपर 20-25 आदमियों का नाम, उनका एक हेड होना, मैन टू मैन मार्किंग करना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगा कि ये बहुत ज़रूरी है और इसको आपने जो है ना कन्फर्म करके हमें अपना संगठन बनाना पड़ेगा, और संगठन के बिना पार्टी चल नहीं सकती। चुनाव में जो कार्यकर्ता होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है, जंगी घोड़े के रूप में, जैसे युद्ध के मैदान में जंगी घोड़े लड़ाई लड़ते हैं, बगैर कार्यकर्ताओं के चुनाव नहीं जीते जाते। ये तो कुछ व्यक्ति विशेष थे, कुछ हुड्डा साहब का फैक्टर था इस इलाके में, विशेष रूप से कहीं कहीं देवेंद्र हुड्डा जी के भी चाहने वाले लोग बहुत थे, उनका भी काफ़ी अहम योगदान यहाँ से सीटें निकालने में रहा है। तो संगठन का विस्तार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करेगी और मजबूती से करेगी, और उनकी जिम्मेवारी उनको दी जाएगी कि जब कोई भी चुनाव आएगा तो संगठन के बलबूते पर चुनाव लड़े जाते हैं। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक में राठिया साहब एक बयान और ये भी दिया, इस चीज़ का भी जिक्र हुआ, कई लोग ऐसे थे जो अशोक तंवर हैं उनके साथ अटैच थे, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के अशोक तंवर, तो भूपेंद्र हुड्डा ने उन लोगों से भी कहीं ना कहीं इशारा उन्हीं की तरफ था, एक अपील भी की है कि वापिस अपने परिवार से जुड़िए, वापिस अपनी पार्टी से जुड़िए, तो ये भी पॉजिटिव संकेत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ से दिया था। तो अशोक तंवर जो गुट के नेता थे, यहाँ भी कई स्थानीय नेता थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने रास्ते दोबारा से खोल दिए हैं। देखो, एक चीज़ होती है, जब पार्टी के अंदर किसी नेता का वर्चस्व होता है तो जो कार्यकर्ता होता है और जिन्होंने लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है वो उसके पीछे चल पड़ते हैं कि हमारा नेता, इनके नीचे हम काम करेंगे, हमारे को टिकट दिलाने में ये योगदान देंगे, टिकट नहीं मिल पाई, सरकार अगर आती है कोई चेयरमैनशिप वगैरह या कहीं ना कहीं अच्छी तरह से एडजस्टमेंट हो पाएगी। अब अशोक तंवर जी उस दौड़ से बाहर हो चुके जी, कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला का चुनाव हारना भी उनको हरियाणा के अंदर कमजोर कर गया, बैकफुट पे ले गया। तो अब जो पैरेलल जो हैं, जैसे अजय यादव जी हैं, वो रिटायरमेंट की तरफ कदम बढ़ा गए, उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उतार दिया और रेवाड़ी से वो चुनाव जीत भी गए जी। एक मैडम किरण चौधरी बचती हैं, और किरण चौधरी को भी कहीं ना कहीं मैडम को आभास है कि तुम्हारी बेटी बार बार दो चुनाव लोकसभा के हार चुकी है, पार्टी की एकता के बगैर, संगठन के बगैर पार्लियामेंट का चुनाव तुम्हारी बेटी नहीं जीत पाएगी। हाँ। तो समझौतों की राजनीति होती है। कुलदीप बिश्नोई भी खामोश हैं। कुलदीप बिश्नोई भी खामोश हैं, क्योंकि उन्होंने अलग पार्टी बना करके भी देखी, उन्होंने तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावे से तो ये लोग काफी पीछे जी। तो उस आधार पर मुझे ये लगता है कि जितने भी दूसरे नेताओं के साथ लोग जुड़े हुए थे वो आज सारे के सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ लामबंद होंगे। कल उन्होंने एक बात और भी कही, गुलाम नबी आजाद का भी एक स्टेटमेंट आया है कि हरियाणा में अब गुटबाजी नहीं रहनी चाहिए और नहीं चलनी चाहिए। तो उस आधार पे तकरीबन नेता जो हैं वो सहमत हैं, पर ये गुटबाजी अब लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। अब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा निर्विवाद रूप से कांग्रेस के नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। क्या अब ये मोहर लग गई है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस हैं, ये तो मान लिया जाए? ये तो निश्चित रूप से हो गया जी, क्योंकि इन्होंने अपना दमखम दिखाया है। चाहे वो लोकसभा चुनाव में भी आप रोहतक की सीट देखोगे, काफी क्लोज मार्जिन से हारे गए जी, और अब की बार विधानसभा का जो परिणाम देखोगे उसका श्रेय सीधे रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जाता है जी, बिल्कुल। और राठी साहब, आज अरविंद शर्मा आए थे रोहतक लोकसभा से जो सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं जब मैंने उनसे पूछा तो उनकी बातों से भी ये झलक रहा था कि जनता का मूड है दोबारा से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ पलटा है, और ये भी जाहिर हुआ उनकी बातों से कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, और उन्होंने ये अपील भी की ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएं, उनकी समस्याएं सुने, उनके बीच में जाकर उनके काम हैं वो भी होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इशारा जो कांग्रेस मजबूत एक विपक्ष की भूमिका निभाएगी उसको देखते हुए लगता है शायद ये। अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का इतिहास उठा करके देखें तो सबसे ज़्यादा दो मुख्यमंत्रियों की चर्चा प्रदेश के अंदर होती है जी। जननायक नेता के रूप में देखें तो चौधरी देवीलाल जी थे, जो अपने कार्यकर्ता के लिए सीधे ऑफिसर को सामूहिक रूप से एक आदेश दिया करते जी कि कोई किसान मजदूर मेरा कार्यकर्ता अगर जनहित का कोई काम लेकर के आता है तो उसको मनाना किया जाए जी। एक नेता चौधरी बंसीलाल जी थे जिनको हरियाणा निर्माता के रूप में लोग जानते हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर, समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर सामूहिक रूप से विकास किया। जब बिजली का लोगों को पता नहीं होता था, आज से करीब 35-40 साल पहले हरियाणा प्रदेश के हर गांव के अंदर बिजली उन्होंने पहुंचाई थी जी, हर गांव में सड़क पहुंचाई थी। लेकिन जब 1996 में वो सत्ता में आए, उन्होंने भी हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं एक सिस्टम चलाने की कोशिश की कि मेरे कार्यकर्ताओं की ना सुन करके कि चाहे वो नौकरी थी मेरिट बेस पे चलें, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी थी वो दूसरे आधार पर चलें, मतलब ये नहीं था कि कोई MLA जाकर के उनको लिस्ट पकड़ा दे कि आप मेरे इतने ट्रांसफर हैं इनको करो। उसका खामियाजा चोरी बंसीलाल जी को बहुत जल्द भुगतना पड़ा, एक शराबबंदी उसमें प्रमुख रूप से थी बिल्कुल। तो वहीं
उनको भी यह आभास हुआ जब 2000 का चुनाव उनकी सरकार टूटने के बाद आया तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 विधानसभा सीटों में चौधरी बंशीलाल को 90 आदमी टिकट लेने वाले नहीं मिले थे, केवल दो ही सीट उनकी आई थी। चौधरी बंशीलाल जी ने तो तोसाम अपना इलाका छोड़ करके भिवानी प्रॉपर शहर से चुनाव लड़ा था जी। और एक बवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी, केवल चौधरी बंशीलाल और रामकिशन फौजी अभी पासे जीत करके आए थे। वही स्थिति भाजपा को भी अब लगा कि जब तक आप कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनोगे, इनके छोटे मोटे काम लोकल जो दफ्तर होते हैं जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर वहाँ इनकी आप पूछ नहीं करोगे तो पार्टी को आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाएगी। और दूसरी तरफ से दबाव आज जेजेपी का भी है जी, क्योंकि जेजेपी एक नई पार्टी बनकर के उभर के आई, 10 सीटें निकाल करके लेके आई और जो समझौता हुआ है 2 कैबिनेट मंत्री 1 राज्य मंत्री, उस आधार पर जेजेपी का भी एक ही सबसे पहला कदम ये होगा कि अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना की जाए। कहीं उस दबाव को देख करके कैसा ना हो कि तुम्हारा कार्यकर्ता भी भविष्य जेजेपी हैवी हो जाए कभी या कांग्रेस की तरफ चला जाए। हाँ। तो अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी पड़ेगी। और अरविंद शर्मा से एक सवाल मैंने दुष्यंत चौटाला को लेकर किया, तो पहले तो वो बताते रहे आलाकमान का अच्छा फैसला था, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज वो जरूर बोल गए कि सीटें ही केवल 40 आई थी, अगर दुष्यंत को साथ ना लेते तो क्या करते। वो तो एक उन्होंने उनकी सरकार तो आज इंडिपेंडेंट के सारे भी बन रही थी। हाँ हाँ। लेकिन इंडिपेंडेंट सारे चाह रहे थे कि मंत्री पद मिले जी। एक उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया इंडिपेंडेंट के ऊपर दुष्यंत जी को साथ मिला करके, और कहीं कहीं लंबी पारी अगर आप स्थायित्व सरकार को देना चाहते हो तो उसमें दुष्यंत चौटाला जी को इसलिए साथ लिया है कि सरकार शायद 5 साल पूरे निकाल दे, ना तो इंडिपेंडेंट बागी हो और ना जेजेपी का कोई आदमी तुमसे दूर जाए। चलिए दर्शकों को थोड़ा सा राठी साहब ये भी खुलासा कर दीजिए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला रन फॉर यूनिटी के लिए गुड़गांवा गए थे और जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया, तो कहीं ना कहीं इन संभावनाओं को तो बल मिला है कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला स्वास्थ्य विभाग है उसका कार्यभार है वो संभाल सकते हैं, क्या मानते हैं ऐसा? एक चीज को मैं मान करके चलता हूँ, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी थी और अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे जी, तो दौरे इन्होंने भी बहुत किए सिविल हॉस्पिटल के जी, लेकिन गुणात्मक सुधार ये नहीं कर पाए। कहीं मेरे को लगता है कि दुष्यंत चौटाला जी की जो राजनीति है, और मैं इसको अच्छी बात भी मानता हूँ, किसी भी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अगर कहीं कोई अच्छा काम करता है, अगर दूसरी स्टेट का कोई नेता या मंत्री उसको अपनाता उस नीति को तो उसका रिगार्ड करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं अरविंद केजरीवाल से जी, कि कभी स्कूलों के राउंड ले लिए, कभी हॉस्पिटल के राउंड ले लिए, तो इन्होंने एक पहला जो कदम उठाया है बगैर मंत्रालय के, कि जब उनको टाइम मिला तो सिविल हॉस्पिटल जो प्रमुख रूप से आप देखेंगे लाइफलाइन है स्वास्थ्य, तो अभी आप झज्जर के अंदर ही देखो जैसे डेंगू का कितना प्रकोप है। हाँ, बिल्कुल, नगर के अंदर ही 20 से 25 पेशेंट है, फॉगिंग सिस्टम होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से जब ऐसे नेता जो बड़े नेता जब राउंड लगाएंगे तो कहीं कहीं डॉक्टर भी अवेयर होंगे, जनता के अंदर भी एक जिज्ञासा ये मान उनके प्रति हमदर्दी आएगी कि ये नेता हमारे बारे में सोच रहा है, उनका ये अच्छा कदम है जी। अच्छा राठी साहब, आ ही जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, एक फैसला और कांग्रेस की तरफ से लिया गया कि मंडियों में जिस तरह से धान की खरीद हो रही है उसको लेकर भी किसान परेशान है, और शायद अब कांग्रेस मजबूत हो चुकी है तो कांग्रेस की तरफ से एक फैसला ये हुआ है कि 7 तारीख को सभी ब्लॉक स्तर पर, सभी जिला स्तर पर जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट जगह हैं, मंडियां हैं, वहां पर कांग्रेस के सभी नेता हैं लगातार प्रदर्शन करेंगे, तो ये पॉजिटिव मानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान आने के बाद? पहला ऐसे देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी। ये सारी समस्या एक है, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बने कई दिन हो गए, 4 तारीख को ये सेशन बुलाया जा रहा है जी, 4 तारीख को इनकी जो है ओथ दिलाई जाएगी एमएलए को, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट बांटे जाएंगे जी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी बगैर जेजेपी की सहमति कोई निर्णय नहीं ले पा रही है जी। और जब आज किसान कहीं न कहीं मंडियों में परेशान है, हाँ। तो मजबूत विपक्ष सबकी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर उभर करके आया है, हाँ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते, वो सरकार के गठन से पहले ही एक किसानों का मुद्दा लेकर के आम जनता के बीच जाने का उनका प्रयास है, कहीं कहीं उनको फायदा भी होगा, सरकार के ऊपर एक जो प्रेशर है वो भी क्रिएट होगा, और उस दबाव में कहीं कहीं दुष्यंत जी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से और किसानों की समस्या का हल होगा जी। मतलब ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरे 5 साल विपक्ष है वो मतलब तीखा हमला करेगा पूरा सरकार के ऊपर, प्रदर्शन चलते रहेंगे, विपक्ष हमला नहीं करेगा, जो जनहित का मुद्दा आएगा वह मुझे लगता है कि दुष्यंत जी भी चुप नहीं बैठेंगे, या तो सरकार को मनवाएंगे कि जनता के हक में ये फैसला लीजिए, हाँ। अगर कहीं उनको लगा कि जनता के साथ अन्याय है तो आवाज मैं मानता हूँ कि वो बुलंदी से वो भी उठाएंगे जी। खैर आखिरी सवाल है मेरा,
जो विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सोचा था, क्या उन्होंने वो हासिल कर लिया? पुराना रुतबा है वो हासिल कर लिया, रोहतक झज्जर सोनीपत जो गढ़ माना जाता था वो हासिल कर लिया, और कांग्रेस की जो कमान है वो उनके पास रहने वाली है। क्या आप मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस सोच से चुनाव में गए थे वो उन्होंने हासिल किया? इस चुनाव में काफ़ी कुछ हासिल किया, पूर्ण रूप से हासिल नहीं कर पाए जी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो मेन उद्देश्य था वो मुख्यमंत्री बनने का था जी, कांग्रेस को सत्ता में लाने का था। कांग्रेस सत्ता के द्वार तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन काफी क्लोज वो उसको लेकर के गए। इस चीज को देखें तो काफी सेटिस्फेक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को होना चाहिए। जहां तक आपने बात की अपने गढ़ की, रोहतक झज्जर सोनीपत की जी, ये गढ़ उनका पहले भी था, ये आज भी है, शायद भविष्य में भी रहे ना रहे वो भविष्य की बात है जी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक लड़ाई लड़ेंगे जनहित के मुद्दों को लेकर के, और उनका उद्देश्य यही है कि आज नहीं तो अगर ये सरकार पूरी ना चले, मध्यावधि चुनाव हो जाए तो बीच में कांग्रेस सत्ता में आए, अगर ये पूरी चल जाए तो 5 साल बाद जो चुनाव हो कि उसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता में जरूर आए। क्या क्या मानते हैं? आपकी बातों से लग रहा है मध्यावधि चुनाव होंगे, पूरी चल जाएगी, अभी क्या खुलासा करेंगे? कांग्रेस का पूर्ण रूप से जन्म नहीं हुआ जी, कांग्रेस का अभी पूर्ण रूप से सरकार का जन्म नहीं हुआ जी। जब सरकार पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ जाएगी और 2-4 महीने का इनका कार्यशाली देख करके ये टिप्पणी उसके बाद की जा सकती है। अच्छा, विभागों के बंटवारे हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? क्योंकि कुछ चीजें हैं खुलकर सामने नहीं आ रही, एकदम से होगा तो लड़ाई होगी फिर। लोगों के अपने कयास हैं, फलां डिपार्टमेंट उनको मिलेगा, फलां उनको मिलेगा। बाकी जेजेपी के नेता तो चंडीगढ़ हैं, उनके दौरे लगाने शुरू कर चुके हैं जो स्थानीय नेता। देखो, जेजेपी को तो 3 मंत्री बनने हैं, तो उनको ये देखो कि 5 डिपार्टमेंट मिलते हैं, 6 मिलते हैं या केवल 3 तक ही सीमेंट करके भारतीय जनता पार्टी रखती है जी। क्योंकि बहुत से महकमे ऐसे भी होते हैं जो सीएम साहब अपने पास रखते हैं, अनिल विज है उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता जी, बड़ा विभाग उनको दिया जाएगा, हो सकता है उनको 2-3 डिपार्टमेंट का मंत्री बना दिया जाए, और एक पुणे बनवारी लाल जी हैं उनको दे दिया जाए। कुछ ऐसे दीपक मंगला जी जैसे पलवल से जीत करके आए हैं जी जी। उस बेल्ट के अंदर भाजपा अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बड़े मजबूत आदमी वहां कर्ण सिंह दलाल शायद 5 बार के एमएलए थे, उनको हरा के आए हैं, तो उनको भी शायद मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो इन बातों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सलाह मशवरा करके तालमेल करके अपने डिपार्टमेंट बांटेंगे, ये भी देखेंगे कि आम जनता से जुड़ने वाले कौन से महकमे हैं, जनता तक पकड़ दुष्यंत की ज्यादा हो या तुम्हारी ज्यादा हो, हर पहलू पे विचार होगा। बिल्कुल, टकराव है बनेगा। चलिए, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हैं, हालांकि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और वो हटाए जा सकते हैं, तो ऐसे में जिनका नाम चल रहा है, रामविलास शर्मा है, अरविंद शर्मा इनका भी नाम चल रहा है, और कई गैर जाट नेता हैं उनका भी नाम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किस नए अध्यक्ष के साथ भाजपा है जा सकते हैं? उसमें रामविलास शर्मा का नाम भी, अरविंद शर्मा का नाम भी है, और जाट नेताओं की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ का नाम चल रहा है, तो और अगर गैर जाट नेताओं की बात की जाए तो नायब सिंह सैनी है, उनका नाम भी चल रहा है, तो क्या मानते हैं, किसका दावा आप मानते हैं? अभी चंडीगढ़ में जिस दिन सीएम साहब की ओथ सेरेमनी हुई, हाँ, उस दिन हमने स्टेटमेंट सुने ओम प्रकाश धनखड़ जी का जी, और उसी दिन बयान आया ओचाणा से जो पूर्व विधायक थी हमारी प्रेमलता जी, जोरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, उन्होंने खुले रूप से एक बात कही है कि कहीं न कहीं एक विशेष वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहा है जी। तो विशेष वर्ग कौन है? पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। तो मेरा ये अनुमान है, हो सकता है सही भी हो सकता है वो गलत भी साबित हो जाए, कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाट कम्युनिटी के ओम प्रकाश धनखड़ के साथ जाएंगे, कोई भी हो सकते हैं, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, कैप्टन अभिमन्यु हो सकता है, सुभाष बराड़ा ही हो, या कोई और भी हो सकता है, कि जाट बरादरी से किसी न किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके फिर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राठी साहब। तो ये थे मेरे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र राठी, और इस खास मुद्दे पर हमने चर्चा की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और राठी साहब ने भी माना कहीं ना कहीं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वही कांग्रेस में, क्योंकि 27 विधायक थे उनके समर्थन में थे जब विधायक दल का नेता चुना। मधुसूदन मिस्त्री हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, विधायक दल की बैठक में उन्होंने भी माना कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर पहले कमान सौंप दी गई होती तो परिणाम उससे बेहतर भी हो सकते थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो अपील की थी, जो अशोक तंवर गुट के नेता थे, कहीं ना कहीं उनकी तरफ इशारा था कि जो भी पार्टी से नाराज हैं या पार्टी से दूर चले गए हैं वापस अपने परिवार में, अपनी पार्टी में वो है, वापस आ सकते हैं। और 7 तारीख से कांग्रेस है, जो किसान परेशान चल रहे हैं धान की खरीद को लेकर, मंडियों का जो मामला छिड़ा हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर प्रदर्शन है करने वाली है। कहीं ना कहीं इंटेंशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साफ है कि अब की बार अच्छा प्रदर्शन हुआ है और पूरे 5 साल कांग्रेस
विपक्ष में बैठकर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका है वो ग्राउंड लेवल पर भी दिखाएगी और विधानसभा में दिखाएगी। इन सारी बातों पर चर्चा होगी और आगे आगे राजनीति पूरी गर्म होती जाएगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद विधायकों का नहीं बल्कि विभागों का बंटवारा होना है। जेजेपी को कौन सा विभाग है वो दिया जाएगा, बीजेपी अपने पास कौन सी चीज़ें रखेगी, तो कई तरह की बातें हैं हरियाणा की राजनीति में जो फिलहाल चलती रहेंगी। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।